योगा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी ट्रीट करने में। योगा के जो टेक्निक्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्रेन, माइंड और दूसरे फैक्टर्स जिससे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जुड़ा है उनको अफेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे योगा वेट लॉस करने में हेल्प करता है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मिलियंस ऑफ पीपल हेल्थ हजार्ड ओबेसिटी से गुजर रहे हैं और सारे एज ग्रुप्स इस दुनिया में ओबेस हो चुकी है। ओबेसिटी लाइफ को लेजी और सेडेंटरी बना देती है। आपकी बॉडी वीक हो जाती है और लॉन्गर लाइफ स्पैन की पॉसिबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाती है। ओवरवेट पीपल को हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क ज्यादा रहता है, हार्ट डिजीज और दूसरे कई सारी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। वेट लूज करने से रिस्क कम हो जाता है, पर फिर भी वेट लूज करना कोई आसान काम नहीं है। सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट ओबेस लोगों का होता है फिजिकल एक्टिविटीज लाइफस्टाइल में ऐड करना, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में योगा थेरेपी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है एक्सेसिव फैट शेड करने के लिए। व्हाई योगा थेरेपी? योगा एक एब्सोल्यूट गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया है। योगा थेरेपी में आसनास एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं प्रैक्टिस की जाती, बल्कि बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए की जाती है। बॉडी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बॉडी कैसे काम करती है, और वो जानने के लिए और बॉडी के लिए क्या बेस्ट होता है ये जानने के लिए किया जाता है। आसनास फॉर लूजिंग वेट क्विकली एंड इजीली। बहुत सारे योगा पोस्टर्स या आसनास है जो वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। सूर्य नमस्कार और द सन सैल्यूटेशन, ये पोस्चर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट तरीका है कैलोरीज बर्न करने का, और अगर आप इससे ब्रिस्कली कर सकते हो तो ये सीरीज है 12 पोस्चर्स का जो अलोटेड सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है। ये इस तरीके से आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। मयूरासन, हर कोई ओबीस नहीं होगा पर फिर भी सफर करते हैं उनके बेली के अराउंड फैट के वजह से, तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है मयूरासन से। अनंतासना और साइड रिक्लाइनिंग लेग लिफ्ट पोज, इसको विष्णु स्काउच पोज भी कहते हैं। ये योगा आसन आपको हेल्प करता है एक्स्ट्रा स्टमक फैट मेल्ट करने में और अब्डोमिनल मसल्स को फॉर्म भी करता है। यह आपको ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। भुजंगासना, इस आसन को कोबरा पोज भी कहते हैं। ये आसन अनवांटेड स्टमक फैट को बर्न करता है जिससे ये अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है। मत्स्यासना और फिश पोज, ये आसना आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग पर बेस्ड है, एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में हेल्प करता है थाइज, हिप्स और लोअर अब्डोमिनल एरिया के पास। मालासना और गार्लैंड पोज, ये आसन अक्यूमुलेटेड फैट बर्न करता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में और थाइज, हिप्स मसल्स भी स्ट्रेच करता है। प्राणायामा की प्रैक्टिस आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिम्युलेट करेगी जो एक्सेसिव फैट बर्न करने में हेल्प करता है बॉडी में से। एक्स्ट्रा आसनास जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्य भेदा जो परफॉर्म कर सकते हैं, और बैलेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए नादी शोधन और उज्जायी आसन ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा ना कि योगा सिर्फ हेल्दी रहने के लिए नहीं, बट आपकी बॉडी में से वेट लॉस करने के लिए भी कितना हेल्पफुल है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।